सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली, देखते हैं आज की खास खबर। भारतीय पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय सचिव का इंदौर संभाग में हुआ जोरदार स्वागत। ताकि इस समय भारतीय पत्रकार महासभा हिंदुस्तान में बहुत तेजी से उभर रहा है और इसके करीब 7,500 सदस्यों से ज्यादा हो चुके हैं और यह पत्रकारों के हित में सबसे ज्यादा आवाज बुलंद कर रहा है और आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमलों एवं पत्रकारों पर झूठी FIR में पत्रकारों को इंसाफ दिलाने में हमेशा अग्रणी रहा। इसी तारतम्य में पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय सचिव मुबारक शाह के इंदौर के प्रथम आगमन पर इंदौर जिला अध्यक्ष अली भाई एवं शहर अध्यक्ष अमजद खान और उनके सभी पत्रकारों के द्वारा मुबारक शाह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय पत्रकार महासभा इंदौर संभाग के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष अली भाई और हमारे शहर अध्यक्ष अमजद भाई, इन दोनों के माध्यम से हमें इंदौर संभाग में बुलवाया गया। हमारा प्रथम आगमन इंदौर शहर में रहा है और आगामी मीटिंगें कैसी हो और भारतीय पत्रकार के माध्यम से पीड़ित पत्रकारों को कैसे इंसाफ दिलाया जाए, इसी चर्चा को लेकर एक पत्रकारों का सम्मेलन कर बड़ा कार्यक्रम किया जावे, इसी की चर्चा इस बैठक में की गई है। और मैं इन दोनों में हमारे पदाधिकारियों से यही कहूँगा कि भारतीय पत्रकार महासभा से जुड़े हैं और आप आगे भी और लोगों को जोड़ें और इस संगठन को मजबूत करें। हमारा भारतीय पत्रकार महासभा संगठन पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और पत्रकारों को इंसाफ दिला रहा है और आगे भी इंसाफ मिलता रहे और संगठन मजबूत हो, इसी आशाओं के साथ इन लोगों से उम्मीद करते हुए कि अगला कार्यक्रम कब होगा उसी विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है और आगामी तारीख बता दी जाएगी कि इंदौर शहर में कब कार्यक्रम रखा जाए। इंदौर शहर अध्यक्ष मोहम्मद अमजद खान, आज राष्ट्रीय महासचिव जी का प्रथम आगमन इंदौर में था जिसमें आगामी मीटिंग को लेकर चर्चा हुई इंदौर संभाग के लिए, जिसमें जिला अध्यक्ष जी अली भाई ने राष्ट्रीय महासचिव जी का स्वागत किया, मैंने स्वागत किया मोहम्मद अमजद खान ने और हमारे जो साथी पत्रकार हैं उन्होंने, और आगामी जो मीटिंग है उसके लिए चर्चा हुई।